ट्रांसवर्स थ्रू साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, नाडियाड, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी इन गुजरात एंड बोईसर, विरार, थाने एंड मुंबई इन महाराष्ट्र. The MAHSR project will reduce the travel time between Mumbai and Ahmedabad, give a boost to the economy, benefit sectors like tourism and infrastructure, and give thrust to the Make in India initiative. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको लेके आ चुका हूँ बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाने के लिए. दोस्तों, और लोकेशन की बात करूँ तो मैं लेके आया हूँ आपको भरूच से 10 किलोमीटर आगे की साइड में, जहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में चालू है. दोस्तों, और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 से 10 किलोमीटर तक का फुल अपडेट. दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी उसमें दिखाया था मैंने जो भरूच में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है, और उसी वीडियो में मैंने कवर किया था जो नर्मदा नदी पे बुलेट ट्रेन का ब्रिज का काम चालू है. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से. तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट, और ये वीडियो मैं थाम विलेज से 10 किलोमीटर आगे से स्टार्ट करने वाला हूं, और फुल अपडेट दिखाने वाला हूं आपको थाम विलेज तक का इसका पूरा लेटेस्ट अपडेट. दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो पेयर वर्क का काम है कितना हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पर लॉन्चिंग का काम भी चालू है. दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पिलर वगैरह बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, आगे लॉन्चिंग मशीन लगी हुई है उसका भी काम चालू है. दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया, भरूच स्टेशन से थोड़ा आगे की साइड में जो कास्टिंग यार्ड बनाया जाता है, जहाँ पे उसके लॉन्चिंग गार्डर वगैरह रखे जा रहे थे दोस्तों, वहीं से उनको लाया जा रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिलर वगैरह बन के कम्प्लीट हैं इनके ऊपर दोस्तों लॉन्च किया जाएगा, आगे लगी हुई है लॉन्चिंग मशीन. तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इस जगह का लोकेशन मैंने आपको लगभग 4 महीने पहले दिया था, उसमें आपको दिखाया था इसमें सिर्फ पाइलिंग का काम था वही हुआ था, और आज की वीडियो में आप देख सकते हैं पिलर वगैरह बनके कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्चिंग का काम भी चालू है दोस्तों. और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रोड है उसको क्रॉसिंग करते हुए बुलेट ट्रेन का काम किया जाए, और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुलेट ट्रेन के पिलर वगैरह हैं वो सारे बनके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सीधा इस साइड में जाता है दोस्तों मुंबई के लिए, और अभी जो मैं आपको वीडियो उस साइड से बना के दिखा रहा था वो जाता है अहमदाबाद के लिए. दोस्तों, 508 किलोमीटर के लॉन्ग अलाइनमेंट में टोटल 12 स्टेशन होने वाले हैं, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो में इसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको शूट करके दिखाई है, उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेशन कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ बनने वाले हैं दोस्तों. और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा गांव है उसको भी क्रॉसिंग करते हुए यहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम किया जा रहा है दोस्तों, और आगे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर इसका लॉन्चिंग का भी काम हो चुका है दोस्तों, कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं गार्डर लॉन्चिंग सीमेंट वगैरह रख चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फील्ड पड़ा है यहाँ पे भी इसके जो सीमेंट वगैरह है वो लाए जाएंगे, और यहाँ पे शिफ्ट इनको किया जाएगा, और यहाँ से उठा के इनको अदरवाइज ले जाके लॉन्च किया जाएगा दोस्तों. तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं जहां पे बुलेट ट्रेन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है. दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर की नई जो हमारे भारत में रेलवे लाइन बनाई जा रही है उसको क्रॉसिंग करता हुआ ये जो बुलेट ट्रेन का काम किया जा रहा है. दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिलर की हाइट है काफ़ी ज़्यादा ली गई है, क्योंकि ये भारतीय की बहुत बड़ी रेलवे लाइन है, इसको क्रॉसिंग करने के लिए दोस्तों पिलर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट में बनाए गए हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं कहीं पर इसका पेयर वर्क का काम चालू है दोस्तों. और मैं इसी साइड में जाने वाला हूं आपको, और थाम विलेज तक का बिना रुके आपको अपडेट देने वाला हूं, और ये देख सकते हैं WDFC की नई रेलवे लाइन,
इसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था दोस्तों, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जो नर्मदा नदी पे जो WDFC का ब्रिज बनाया गया है दोस्तों, काफ़ी सुंदर ब्रिज है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सारे पिलर वगैरह बनके कंप्लीट हैं। दोस्तों ये सीधा जो आप देख रहे हैं सारे पिलर वगैरह बनके कंप्लीट हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर की हाइट काफ़ी ज़्यादा ली गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भारतीय की रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, WDFC की लाइन को क्रॉस करता हुआ इसका काम किया जा रहा है, तो पिलर की हाइट काफ़ी ज़्यादा ली गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हमारे भारत में जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन आएगी वो जापान से एक्सपोर्ट की जाएगी दोस्तों, शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन E-Series 5 की दोस्तों बुलेट ट्रेन हमारे भारत में आने वाली है दोस्तों, जिसकी स्पीड लिमिट होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की। और इसका पहला जो स्टेशन बनाया जा रहा है वो साबरमती में बनाया जा रहा है दोस्तों, इसका लास्ट स्टेशन जो बनाया जा रहा है बॉम्बे में BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका लास्ट स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स बुलेट ट्रेन के काम की बात करूं तो इसमें गुजरात में 70% काम कंप्लीट जैसा हो चुका है दोस्तों, और इसका जो काम बाकी है वो महाराष्ट्र सेक्शन का पूरा काम बाकी है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र सेक्शन में इसका काम लेट शुरू हुआ था, उसके कारण महाराष्ट्र में इसका काम इतना कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में मैं वीडियो बनाने गया था तब मैंने आपको दिखाया था उसका जो टनल का काम किया जा रहा था दोस्तों, जरौली गाँव के पास इसकी जो टनल बनाई जा रही है फर्स्ट टनल, उसका मैंने आपको अपडेट दिया था। फ्रेंड्स बुलेट ट्रेन का जो काम की बात करूं तो सबसे ज़्यादा काम देखने को मिलेगा हमको वो सूरत से और बिल्ली मोरा के बीच में दोस्तों। इसके काम की बात करूं तो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, वहां पे ट्रैक वगैरह बिछाने का भी काम किया जा रहा है दोस्तों, रेलिंग वगैरह लगाई जा रही है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूँ 2026 में जो फर्स्ट ट्रायल होने वाला है वो बुलेट ट्रेन का, वो सूरत से बिल्ली मोरा के बीच में होने वाला है, क्योंकि काम जो है काफ़ी तेज़ी से उस जगह का काम किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ट्रायल होने वाला है वो सूरत से बिल्ली मोरा के बीच में फर्स्ट ट्रायल रन किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया था पिलर वगैरह कंप्लीट थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ पाइलिंग का काम हुआ है, और आगे तक देख सकते हैं जो पिलर का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको दोस्तों बनाया गया और फ्रेम वगैरह कस दिया गया है दोस्तों, जाले वगैरह कस के कम्प्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पाइलिंग का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आगे की बात करूँ तो आगे भी आपको कुछ कुछ पिलर कंप्लीट जैसे नज़र आएंगे, और कहीं कहीं पे इसका पाइलिंग का काम भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह की वीडियो में इंटरेस्ट है कि हमारे भारत में कहां कहां पे किस चीज़ का काम चल रहा है, जैसे कि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट दोस्तों किया जा रहा है, एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है, उसके बाद बुलेट ट्रेन जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में चलाई जा रही है दोस्तों,
उसका भी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और दोस्तों WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कैरिडोर की जो भारत में नई रेलवे लाइन दोस्तों बनाई गई है उसका भी काम दोस्तों कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसी तरह के आपको नए नए अपडेट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।